और जी पंडित साहब कैसे? बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप आते बहुत दिन। भाई ऐसा ही है, कोई प्रॉब्लम होती है तभी हम आपके पास आते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि हमने एक फ्लैट लिया है, ठीक है, वो फ्लैट जो है उन्होंने बोला है कि हमें आप ना 95% पेमेंट कर दो, बाकी जो बैलेंस पेमेंट है ना फिनिशिंग टाइम पर हम आपको दे देंगे। लेकिन आज 2 साल हो चुके हुए हैं पेमेंट किए हुए, फिनिश ही नहीं हो रहा, वो फिनिश ही नहीं हो पा रहा, तो हम तो पीछे फंस गए। अब आप बताइए इसका क्या हल है? बहुत कॉमन समस्या, बहुत कॉमन समस्या, हर बिल्डर इसी पेमेंट प्लान का नाजायज फायदा उठा रहा है। मेरी आज इस वीडियो के मार्फत हमारी एक अपील है सभी कस्टमरों से कि कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान को ठीक से समझें। और कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान बिल्डर का बनाया हुआ खुद का प्लान होता है, रेरा में इसको लेकर के कोई विशेष नॉर्म्स नहीं है, जो कि होने चाहिए, क्योंकि रेरा एक इवॉल्विंग कानून है। डे बाई डे इसमें नई धाराएं, नए एक्ट्स, नए प्रोविजंस जुड़ सकते हैं, परंतु अभी डिपार्टमेंट उतना ज़्यादा सशक्त नहीं हो पाया है। ताज्जुब की बात है कि रेरा में न्याय तो मिलता है पर जस्टिस नहीं हो पाता। रेरा रिकवरी का ऑर्डर तो कर देता है पर उस ऑर्डर की एग्जीक्यूशन नहीं हो पाती। ऐसे नेशनल डाटा हैं जिसमें रेरा के तहत लोगों को कंप्लेन करने के बाद बिल्डर से रिफंड के ऑर्डर हुए, और अगर 100 डिसीजन हुए हैं रिलीफ दिलाने के, उनमें से मैक्सिमम 8-10% केसों में उसको एक्चुअल रिलीफ मिला, उसको एक्चुअल रिफंड मिला। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पे हम डिस्कशन एक अलग से, अगर आप लोगों को इस विषय में डिस्कशन चाहिए या कोई नॉलेज चाहिए तो आप कमेंट्स में लिखिए, मैं ज़रूर बनाऊँगा। अब हम आ जाते हैं साहब वाले मुद्दे पर। एज़ पर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 13 ऑफ रेरा, 10% पेमेंट देने के बाद बिल्डर इज सपोज टू मेक बिल्डर बायर एग्रीमेंट। कोई बनाता है यहाँ? जनरली तो प्रोजेक्ट प्री लॉन्च में ही बिक रहे हैं, और प्री लॉन्च में बड़ी अफसोस होता है जब बिल्डर प्री लॉन्च में 25% बुकिंग अमाउंट, फिर 25% ऑन CLU, फिर 15% ऑन रेरा, मतलब रेरा आते आते वो 60-65% पेमेंट ही डिमांड कर लेते हैं। तो आपके हाथ पैर तो वैसे ही पहले ही कट गए। उसके बाद वो डेवलपमेंट लिंक पेमेंट प्लान है या किसी भी प्रकार का पेमेंट प्लान है, उसमें आप 90% पेमेंट दे चुके होते हो। लालच की सिचुएशन ये है कि जब प्री लॉन्च में कोई चीज़ आती है तो उसका प्राइस इतना कम होता है और वो इतनी फास्ट बिल्डर उस प्राइस को बढ़ाता है कि जिन लोगों ने स्टार्टिंग में लिया है वो मार्केट में जब अपना रेट कम्युनिकेट करते हैं तो हर आदमी जिसने नहीं ख़रीदा है वो कहता है यार फ्यूचर में कुछ आए तो ऐसा ज़रूर बताना, और ये स्कीमें हैं जब फ्यूचर में आती हैं तो अगले लोग उस ट्रैप में फंसते हैं। अब इसमें अगर रेरा एक्टिव होता तो इस तरह की घटनाएँ ना घट रही होती, पर चलो अभी हो रहा है, लोग पैसे कमा रहे हैं, बिल्डर भी पैसे कमा रहे हैं, प्रोजेक्ट कई बार ज़मीनें भी नहीं खरीदी हुई हैं, नक्शा भी पास नहीं है, रेरा भी नहीं आया, इन स्पाइट ऑफ दैट 50% से ज़्यादा पेमेंट की डिमांड हो जाती है। लेकिन यही चीज़ जब हम कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान में जाते हैं, जहाँ पे हम हाई राइज फ्लैट खरीद रहे हैं या कोई ऐसी कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं जो काफ़ी मंजिलों की है, जिसमें कि 10 मंजिल, 11 मंजिल, 8 मंजिल, इस टाइप का कुछ डेवलपमेंट है, उस डेवलपमेंट में अक्सर ये देखा गया है कि बिल्डर बुकिंग के टाइम पे 10%, उसके बाद फिर डेवलपमेंट लिंक प्लान में, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, डेवलपमेंट लिंक पेमेंट प्लान में एक तो डाउन पेमेंट प्लान होता है, कभी ज़िंदगी में डाउन पेमेंट प्लान में प्रॉपर्टी मत लो। अगर कोई हाई राइज फ्लैट बन रहे हैं, नेवर गिव योर मनी इन डाउन। कितना डिस्काउंट मिलेगा? 6%, 7%, और जो प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन होनी है 2 साल में 3 साल में, जिस समय माहौल चल रहा है, 30-35% की एप्रिसिएशन साल की आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में डाउन पेमेंट में तो बिल्कुल भी जाना नहीं है। बिल्डर पूरी कोशिश करता है कि आप डाउन पेमेंट कीजिए, हम आपको और फर्दर डिस्काउंट दे देंगे। कोई लालच करने की जरूरत नहीं। अगर उनको पैसे चले गए तो उनके पास कोई मोटिवेशन फैक्टर नहीं रहा कि वो काम को स्पीड से खींचे। अब कंस्ट्रक्शन लिंक में जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसमें जनरली जैसे प्लान चलते हैं, बुकिंग अमाउंट 10%, 30 दिन में, विद इन 30 डेज ऑफ गिविंग द एप्लीकेशन 15%, यहाँ पे उनको लिखना चाहिए विद इन 30 डेज ऑफ फ्रॉम डेट ऑफ एप्लीकेशन ऑब्लिक एग्जीक्यूशन ऑफ द बिल्डर बायर एग्रीमेंट। ना वो बिल्डर बायर एग्रीमेंट का तो कहीं जिक्र ही नहीं है। 15% ऑन स्टार्ट ऑफ फाउंडेशन 10%। अब यहाँ पे गेम क्या हो रही है, 10+15 25 25+10, फाउंडेशन तो भैया पहले दिन ही वो JCB ला करके खोदना चालू कर देते हैं, और ऑन स्टार्ट ऑफ फाउंडेशन है, नॉट फिनिशिंग ऑफ फाउंडेशन। तो यहाँ पे सब लोग अगर मिल करके इस पेमेंट प्लान को चेंज कराने की कोशिश करें तो ये बिल्डर का बनाया हुआ खुद का प्लान है। कस्टमर जा करके अगर इस पे आर्गुमेंट करेगा और उस बिल्डर को लगता है कि यार मेरी बुकिंग सिर्फ इस पेमेंट प्लान की वजह से चेंज हो रही है, ख़राब हो रही है, तो वो डेफिनेटली आपकी बात को मानेंगे। तो आप स्टार्ट ऑफ फाउंडेशन की जगह आप उसको बोलिए भैया फिनिश ऑफ फाउंडेशन, फाउंडेशन काम ख़त्म करो, हमसे पैसे ले लो। ये थोड़ी कि तुम हम ही से पैसे लोगे और उसके बाद काम करोगे। देन थर्ड है, इसके बाद अगला होता है ऑन स्टार्ट ऑफ स्टिल्ट रूफ स्लैब। मान लीजिए स्टिल्ट रूफ का स्लैब पड़ना है तो वो कह देते हैं हम ऑन स्टार्ट ऑफ,
स्टार्ट ऑफ क्या होता है, फिनिश ऑफ। इसी तरह से सपोज वो कहते हैं सातवीं मंजिल पे जब हम सेवन्थ फ्लोर का स्लैब डालेंगे तो आप 15% दे दीजिए, फिर वो कहते हैं हम जब 12वें फ्लोर का स्लैब डालेंगे तो आप अनदर 15% दे दीजिए, फिर वो कहते हैं हम 21वें फ्लोर का स्लैब डालेंगे तो आप अनदर 15% दे दीजिए। अब आजकल माईवन का बड़ा ट्रेंड चला है, माईवन कंस्ट्रक्शन, इतना फास्ट स्ट्रक्चर बनता है कि साल डेढ़ साल में आपसे पूरी पेमेंट डकार जाते हैं वो। उसके बाद अब आप कह रहे हो कि भाई 95% पेमेंट दे चुके, जैसे हमारे भाई साहब दे चुके हैं, अब 5% पेमेंट बची है और डेढ़ साल का टाइम लगा दिया फिनिश करने में, तो बिल्कुल गलत है। आपका 95% पैसा बिल्डर के पास जा चुका है, 5% के लिए आप डेढ़ साल तक इंतज़ार कर रहे हैं, तो ये पेमेंट प्लान फॉल्टी है। सब लोग अगर रेरा को, रेरा अथॉरिटीज़ को मेल्स लिखें, उनको चिट्ठियाँ लिखें, तो रेरा विल टेक कॉल ऑन दैट। हालांकि रेरा के प्रिव्यू से बाहर का मैटर है ये, रेरा एग्रीमेंट को कंट्रोल करता है, लेकिन पेमेंट प्लान उस एग्रीमेंट का एक इंटीग्रल पार्ट है। रेरा को गाइडलाइंस देनी चाहिए कि आप कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान में आपका पेमेंट प्लान ऐसा होना चाहिए कि ऑन फिनिशिंग ऑफ द कंप्लीट स्ट्रक्चर के बाद भी आपकी 30% पेमेंट पेंडिंग रहे, क्योंकि जब आपको 3 महीना 6 महीना नहीं बल्कि एक एक डेढ़ डेढ़ साल फिनिशिंग में लगता है, तो उस फिनिशिंग में अगर बिल्डर की 30% 35% पेमेंट पेंडिंग है तो डेफिनेटली बिल्डर को भी एक मोटिवेशन फैक्टर है कि फटाफट बना करके वो हैंडओवर करे और हैंडओवर करने के बाद अपनी पेमेंट ले। लिहाजा दोस्तों, मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप अगर मेरी बातों से इस वीडियो में सहमत हैं तो आप जिस भी स्टेट को बिलोंग करते हैं उस स्टेट की जो रेरा अथॉरिटी है उनको आप लेटर्स लिखें। अगर किसी बिल्डर के पेमेंट प्लान इस तरह के हैं कि वो हर चीज़ के स्टार्ट होने में ही पैसा ले रहा है, उनका पेमेंट प्लान अटैच करें और रेरा में कंप्लेन नहीं करनी है, उनको इन्फॉर्म कीजिए कि साहब ये पेमेंट प्लान चल रहा है और हम एक सर्विस क्लास बंदे हैं, हर चीज़ को स्टार्ट करने में बिल्डर हमसे पैसे ले रहा है, आप इनको इंस्ट्रक्शन दीजिए कि वो पेमेंट प्लान चेंज करें। रेरा अथॉरिटी इस पर कॉल ले लेती है तो आपको उसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। और लास्ट में फिर कह रहा हूँ, पेमेंट प्लान को सीरियसली लीजिए। पेमेंट प्लान एक बहुत बड़ी गेम होती है, आप ध्यान नहीं दे पाते हैं और बिल्डर आपका 95% पैसा ले चुका होता है, उसके बाद आप इंतज़ार 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 इंतज़ार। जो आपने अभी बताया हमें, अगर ये बात हमने पहले आपसे सीखी होती तो शायद आज हम परेशान ना होते। बिल्डर से नेगोशिएट करो पेमेंट प्लान पे। नहीं, आपने बिल्कुल सही बताया है क्या, और ये हमारी कमजोरी रही है कि हमने इसको सीरियस नहीं लिया। हमने सोचा कि जो कुछ बिल्डर बोल रहा है ऐसे ही हमें करके दे देगा। नहीं नहीं देते। और आज मालूम पड़ रहा है कि ऐसा हमें नहीं होना चाहिए हमारे साथ में। बिल्कुल। और जो आपने एडवाइस करी है ना कि रेरा को इन्फॉर्म करना चाहिए, ये इन्फॉर्म तो वाकई ही करना चाहिए। बिल्कुल। अब जो हो गया वो तो हो गया, हमारा 95% पेमेंट चला गया उसको, लेकिन एटलीस्ट जो आने वाले बंदे हैं उनको भी बेनिफिट होगा और हमें भी बेनिफिट होगा, क्योंकि अगर हम नेक्स्ट टाइम कोई प्रॉपर्टी में डील करते हैं तो इस चीज़ का खास ध्यान रखेंगे। इसलिए थैंक यू वेरी मच। माय प्लेजर, थैंक यू।